हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या, उनके मन में क्या है। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, अगर कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेकर के आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर या लिंक सेंड करे तो प्लीज़ उस पर ना तो उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और ना उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, बिकॉज वो लोग फ्रॉड हैं। ओके, सो अब मेरे से जुड़ी हुई सारी रियल जो जानकारियां हैं, नंबर्स हैं, लिंक है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ओके, सो चलिए अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। एंड मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, सो प्लीज़ इग्नोर करें उस चीज़ को। लेट्स सी, सर्दियाँ आती और जाती यही करती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो भी कोल्ड लेके आती है मेरे लिए, और जाती है तब भी। सो चलो अभी देखते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है सेवन ऑफ सोर्ड्स की। ओके, सो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, अब आपको दिख रहे होंगे ना। और मैं आपको साइन बता देती हूँ, यहाँ पर है लियो, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन स्ट्रांगली है। एंड गाइस प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि साइन मैटर नहीं करते टैरो रीडिंग्स में। साइन मैंने इसलिए बताए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग पे, बट लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साइन नहीं आए इसका मतलब रीडिंग हमारे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एनर्जीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि टैरो कार्ड्स हमेशा एनर्जीज़ रिप्रेजेंट करती हैं, बताते वो साइन भी है, मंथ भी है, डेट भी है, बट वो कनेक्ट होने के लिए ज़्यादातर फोकस किया जाता है एनर्जीज़ पर। सो फोकस करें एनर्जीज़ पर। ओके, एंड यहाँ पर अब मैं मंथ आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मंथ है अक्टूबर मुझे नज़र आता है यहाँ पर, और अगस्त मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आपको डेट बताऊँ तो नंबर 8 है, नंबर 10 है, ये नंबर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, नंबर 8 एंड नंबर 10। सो गाइस, बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर क्लियर है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोली है, पीठ पीछे बहुत सारे काम किए, जो कि जब आपके सामने आए तो आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत तकलीफ पहुंची। एंड मे बी उन सब चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं,
कि इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई, छुप छुप करके पीठ पीछे इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी बातों को निगल गए। क्लियर जवाब ना देना, क्वेश्चन करो तो जवाब देने की बजाय, क्लियर करने की बजाय आर्ग्यूमेंट करना, तो ये रहा है आपके साथ इस कनेक्शन में। क्योंकि पास्ट एनर्जीज मुझे दिखते हैं कि इन्होंने झूठ तो आपसे बहुत बोले हैं, भर भर के बोले हैं, और जब आपको पता लगता गया कि ये इतने झूठ बोलते हैं या बोलती है, तो आप भी कहीं ना कहीं शॉक रह गए, अरे ये क्या। और आप इनको पसंद करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, तो आपने सोचा कि पूछ लेती हूँ, क्लियर कर देगा, तो भी कोई बात नहीं। अगर हो भी गई गलती तो आप माफ़ करने के लिए भी तैयार थे, बट इनका तो रवैया ही बहुत अलग था। आपने इनसे क्वेश्चंस किया फॉर क्लियरिटी और इन्होंने आर्ग्यूमेंट आपको बदले में दिया। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखती है। करेंटली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ओवरऑल एनर्जी में मुझे ये दिखता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला थॉट जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ सॉट्स की एनर्जी में आया है, वो ये कि इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ना आपकी लाइफ में वापस से एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक एक्शन का कार्ड है। ऑलराइट, सो ये वापस से आना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि क्या आप अब इनके साथ रहना चाहते हो या आप मूव ऑन कर गए हो, ये ऐसा सोच रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स भी उसी के लिए एनर्जी है, वही कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी कि आप अभी भी इनके साथ रहना चाहते हो या फिर आप मूव ऑन कर गए हो, ये इनके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट ये आपको चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, ये आपको पसंद करते हैं, बट इनका एक नेचर है कि भाई ये बातों को छुपाते, थोड़ा फ्लर्टी नेचर है, थोड़ा सा प्लेबॉय वाली एनर्जी है, या मैं ये बोलूँ कि थोड़े इमैच्योर हैं ये। बट एक चीज़ है, ये आपको तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहते, ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको पता है आप बहुत अच्छे हो दिल के, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बट अभी इनके दिमाग में यही थॉट घूम रहा है कि आप अब इनकी सच्चाई जानने के बाद, ठीक है, या इनका इतने रूड बिहेवियर के बाद भी इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो कनेक्शन या नहीं, ये इनके दिमाग में है। ओके, और ये इसी चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं, मतलब कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है लाइक ये बहुत सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे होगे, इनकी इमेज आपकी नज़रों में क्या बनी होगी, क्या आप फिर से इनको मौका दोगे या नहीं दोगे, तो ये इनके दिमाग में चल रहा है। ओके, और बहुत अकेला ये महसूस कर रहे हैं। आजकल इनके दिन कैसे बीत रहे हैं आपकी यादों में, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और इनको ये भी मालूम है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया, ये जानते हैं इस बात को। हो सकता है जैसे यहाँ पर तीन चार कप्स है, मे बी हो सकता है कि इन्होंने बहुत बार धोखा दिया आपको, बहुत बार हर्ट किया, बहुत बार झूठ बोला, और आपने हर बार कोई बात नहीं जाने दिया, इग्नोर कर दिया कि हमारा रिश्ता बचा रहे, कोई बात नहीं, अब सुधरेगा, अब टाइम सही होगा, अब सही होगा, बट वो नहीं हुआ। ये बैक टू बैक गलतियाँ करते गए, झूठ बोलते गए, सुधार की जगह और ज़्यादा इनका बिगाड़ हो गया। सो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपने बहुत मौके दिए हैं और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, तो भी कन्फ्यूज़ है कि मतलब आप पहले की जितनी अटेंशन इनको आप दोगे या नहीं दोगे, पहले जितना प्यार करते थे उतना करोगे या नहीं करोगे, पहले जितनी रिस्पेक्ट करते थे उतनी करोगे या नहीं करोगे, तो ये इनके दिमाग में घूम रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी ये आपसे बहुत फ्लर्ट भी करते होंगे, क्योंकि इनकी फ्लर्टी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनको आदत है फ्लर्ट करने की। ये फ्लर्ट के मामले में किंग होंगे या क्वीन होंगी, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है एक फ्लर्टी एनर्जी, और ये फिर से आपसे बात करना चाहते हैं। लाइक एक वो वाला नहीं होता है जैसे कि झगड़ा कर लिया फिर उसके बाद में जो है आके झगड़े के बाद में भी पता है झगड़ा हो गया है, पता है एक दूसरे से नाराज़ है, लेकिन फिर भी वो छेड़खानी करके बात शुरू करना, सो वो चाहते हैं बट हिम्मत नहीं हो रही है इनकी, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इतना इन्होंने कर दी है गड़बड़ कि शायद इस बार तो आप गुस्से में इनके ऊपर चिल्ला दोगे, इनको ऐसा लगता है। ओके, इनको ऐसा फील होता है कि शायद इस बार गुस्से में आप चिल्ला दोगे, और क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि इन्होंने बहुत बहुत बारी गलती की है और
हर बार करते हो तो पता नहीं अब आप मौका दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि आपने हर बार शायद इग्नोर किए इनकी गलतियों को, हर बार आपने इनको माफ़ किया, और इसी बार ऐसा हुआ है कि आपने बात करनी बंद की है, इस बार ही ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि मुझे नहीं करनी बात, ये तो सुधरने वाला है नहीं, सुधरेगा तभी करूँगी या सुधरेगी तभी करूँगा। सो अब ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर खटक रही है कि यार क्या हुआ, कुछ बड़ी ही बात होगी तब भी नहीं, तो हर बार तो मुझे माफ़ी मिल जाती थी या फिर हर बार तो वो इग्नोर कर देती थी, इस बार कुछ बड़ा ही हुआ। सो इनको फील हो रही है वो चीज़, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है कि वो चीज़ फील कर रहे हैं अभी। सो ये एनर्जी है इनकी। नाउ कुछ और देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, और ज़रूरी भी है ऐसा फील होना, तभी तो ये अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर इनको फील ही नहीं होगी अपनी गलती तो फिर ये क्या ही सुधारेंगे, राइट? तो ज़रूरी है कि इनको फील हो कि हाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं। गिल्ट, सी गिल्ट में है ये, काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, बुरा लग रहा है इनको कि हर बार इनको ऐसा लगता था कि ऐसे ही मौका मिलेगा, बट अब इस बार इनकी आंखों की पट्टी खुल गई है कि नहीं भाई, हर बार ऐसा नहीं चलेगा या हर बार मैं उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और अब तो मुझे जो है मतलब एक गिल्ट है इनको, जो आपके साथ इन्होंने किया, जो आपको तकलीफ हो जाए या जो झूठ बोले ना, इनको गिल्ट है क्योंकि इस बार बहुत अलग हो गया, मे बी आपने बात करना ही बंद कर दिया। सो इस वजह से अब इनको गिल्ट हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि भाई गलती तो मुझसे बड़ी हो गई है, वरना हमेशा मुझे माफ़ी मिल जाया करती थी। एडवेंचर, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ इस कार्ड के साथ कि जैसे कि ये वापस तो आना चाहते हैं, बट इनको थोड़ा सा सा लग रहा है कि लाइक मुश्किल होगा इस बार आपको मनाना, कैसे मनाएंगे, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, बट एक कॉन्फिडेंस भी है कि मैं कर लूँगा, ये वाला कॉन्फिडेंस भी है, इनको ऐसा लगता है कि मैं सिचुएशन संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा। इनको ये सारी चीज़ें बड़ी ऐसी लगती भी है इंटरेस्टिंग सी कि ये सब चीज़ें करना भी। द मास्टर, यस वो है इनको, इनको ऐसा कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि गिल्ट तो है इनको बेशक, बट एक कॉन्फिडेंस है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, वो मान जाएगी, मैं मना लूँगा। मे बी ये मैंने बोला ना कि फ्लर्टिंग में किंग होंगे ये, सो फ्लर्ट करते ही मतलब ये ऐसी बातें करते होंगे कि आप पैसे पिघल जाते होंगे, भूल जाते होंगे, या प्लेफुलनेस, मैंने बोला था ना वो प्ले बॉय वाली एनर्जी आ रही है, प्लेफुलनेस है ये ऐसे कि इनको देख कर के आपका गुस्सा कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप बहुत वो करते हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये है वो है, बहुत गुस्सा रहता है आपके, बहुत शिकायतें रहती हैं आपकी, बहुत शिकायतें रहेंगी, बहुत गुस्सा रहेगा मन में, और जैसे इनका कॉल मैसेज आए या फिर ये सामने, आप सब भूल जाते हो कि मेरी क्या शिकायत थी, क्या गुस्सा था, कुछ याद नहीं रहता है। सो मे बी ये बहुत इनोसेंट से होंगे तो आप उनकी मासूमियत देख के ऐसे ही पिघल जाते हो, या आप भूल जाते हो उनका कॉल मैसेज आते ही, उनका सामने आते ही भूल जाते हो कि मेरी कुछ शिकायतें भी थी या मैं नाराज़ भी थी। सो मे बी वो वाली एनर्जी है, और ये उनकी एनर्जी होती है जो दिल से किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू होती है। एंड यस, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी गाइज आपको कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों में सुधार लाने के लिए खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीज़ों में सुधार नहीं आएगा, उनको और ज़्यादा सह मिलती रहेगी कि हाँ हम और गलतियाँ करें। सो थोड़ा सा कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके पार्टनर को तो कॉन्फिडेंस है भाई इस चीज़ का कि ये कर लेंगे, क्योंकि इनको पता है आपका आपका नेचर, ये जानते हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो आपका नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप काइंड नेचर के हो, और इनको पता है ये कैसे भी करके आपको मना लेंगे, ये जानते हैं उस चीज़ को। यहाँ से कुछ और एनर्जीज देखेंगे।
रोमांटिक फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और यस ये आपके करीब आना चाहते हैं, दे रियली मिस यू। ट्विन टाइम फॉर एक्शन, यस ऑफ कोर्स ये आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं बहुत जल्दी, सो आपको बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज रिसीव होगा गाइस, क्योंकि एक्शन लेने की सोच चुके हैं, इनको एक्शन लेना है और इनको पता है कि आपको कैसे मनाया जाएगा, तो ये वही करेंगे। अवेकनिंग, सो बहुत ज़्यादा इनको समझ में आ रही है। अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर हमेशा यही बताता है कि समझ रहे हैं कि मेरी कहाँ गलती रही है और मुझे कैसे अब चीज़ों से डील करना है। इनको पता है कि चीज़ें गड़बड़ा गई हैं और अब मुझे संभालने की ज़रूरत है, सो ये एक्शन लेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा इमोशनल या रोमांटिक बातें करेंगे आप सारा गुस्सा ऐसे ही भूल जाओगे। न्यू बिगिनिंग, बॉटम ऑफ द डेक से न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, सो इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, आप नाराज़ भी हो तो अब देखना ये ऐसी बातें करेंगे कि आप नाराज़ आप भूल जाओगे, नाराज़गी भी थी, आपके दिमाग से वही चीज़ निकल जाएगी, क्योंकि ये है भाई, इनका नेचर है, इनका बातचीत करने का तरीका ऐसा है कि आप सब भूल जाओगे। आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ इसने मुझे झूठ बोला था या इसने मेरा दिल दुखाया था, इसकी बातें ऐसी हैं कि आप फिर से पिघल जाओगे इनके आगे। यहाँ से भी कुछ और पता चलेगा कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं, सो लेट्स सी। अननेसेसरली वरिंग, ये मुझे आपके लिए मैसेज दिखता है, आप बिना मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। लॉयल्टी, चलो ये आपके पास वापस क्यों आना चाहते हैं पता है, क्योंकि आपके जैसा लॉयल पर्सन इनको पता है कि ये ढूंढ लेंगे ना, लालटेन लेके भी ढूंढने निकलेंगे ना, तो इनको नहीं मिलने वाला, इसलिए। थर्ड पार्टी, हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हों आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, सो थर्ड पार्टी में भी ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी का सीन ऐसा है कि एक तो इनको पता है कि थर्ड पार्टी लॉयल नहीं है और दूसरा थर्ड पार्टी का ईगो इतना ज़्यादा है, वो इतने डोमिनेटिंग है कि वो इनको फॉर ग्रांटेड लेती है, तो इस वजह से भी नहीं रहना चाहते थर्ड पार्टी के साथ और इस वजह से भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी जैसे थर्ड पार्टी, अब आपको टेंशन होती है कि यार थर्ड पर्सन है पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, आपको चिंता नहीं करनी है, बिकॉज लॉयल्टी जो है ना वो हर इंसान में नहीं मिलती है और ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनके साथ कितना लॉयल रहे हो, सो डोंट वरी ये आपकी तरफ आएंगे। ओके, आपको चिंता नहीं करनी है, कब तक आपकी इनसे बात होगी वो देख लेते हैं। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, गाइज एक या दो दिन में आपको इनका कॉल मैसेज मिल जाएगा, एक से दो दिन में आपकी इनसे बात हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एक से दो दिन में, हाँ इतना जल्दी है क्योंकि दिख रही है वो एनर्जी कि हाँ इतनी जल्दी हो जाएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं। बाबा की मैसेजेस लूँगी मैं आपके लिए कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। फेस रियलिटी, बाबा कह रहे हैं कि जो है ना उसको देखो ज़रा, मतलब फेस रियलिटी के कारण का मतलब ये है कि प्रेजेंट में रहो बेसिकली, ठीक है, जो है जो हो रहा है एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा है, ठीक है, मतलब लाइक होता है ना कभी कभी हम डरते हैं सच्चाई जानने से, हम डरते हैं सच का सामना करने से, बट जो वक्त आपको दिखा रहा है ना स्ट्रांगली उसका सामना करो, किसी भ्रम में रहने से अच्छा है कि कड़वा सच सुन ले, राइट, तो वही चीज़ है। फेस द पेन, जो भी प्रॉब्लम्स पेन मिल रहे हैं उनको देखो आप,
बस आप अपना काम अच्छा रखो, ठीक है। पेन डेफिनेटली आपको मिल रहा है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, बट अपना काम अच्छा रखो, यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं। आई नो बहुत सारी टफ चीज़ें चल रही हैं, बहुत पेन भी मिल रहा है, समय बहुत दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, बट बाबा कह रहे हैं कि आप इस समय से तभी जीतोगे जब आप अपने अच्छे काम रखोगे। आपको अच्छा ही करना है, आपका समय बेकार है बट फिर भी आपको अच्छा ही सोचना है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। आपका समय ठीक नहीं चल रहा, आपको बहुत तकलीफ़ दी गई, बट फिर भी आपने अच्छा ही करना है, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। और ये जो इस टाइम का जो आपका ये जुड़ेगा ना, यही आगे आने वाले टाइम पर आपको खुशियाँ देगा। तो आपको बुरा नहीं सोचना, ना किसी का बुरा करने की कोशिश करनी, आपने बस अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। खुद के लिए दुआ मांग रहे, दूसरे के लिए भी मांग लेंगे। जैसे आपके पार्टनर अगर उन्होंने आपको तकलीफ पहुँचाई है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कर्म ही होते हैं, कर्मा ही होते हैं जो कि ऐसे घूम फिर के आते हैं। तो हमें किसी के लिए गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए। हाँ ठीक है, आपको तकलीफ़ हो जाए, बट जस्टिस देने वाला वो ऊपर वाला है और उसके घर में सबके लिए न्याय है, ठीक है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। सो आप अपने कर्माज को ख़राब मत करो, आपने अच्छा ही सोचना है, आपको बुरा सोचना ही नहीं है, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, बुरे सोचने से दूर रहना है, बस अच्छा अच्छा सोचना है। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।